हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा था कि नीट 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा और कई सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के ब्रेन में होते हैं उसका आंसर्स जो है वो किस तरीके से मैं दूंगा, ये मैंने आपको बताया था। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से एक आंसर मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने आया हूँ और वो है कि आपको मेडिकल कॉलेजेस जो है, जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, टॉप 20 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका क्लोजिंग रैंक क्या रहेगा और मेरी जो रैंक आ रही है या मेरी जो स्कोर है उसके ऊपर मुझे वो कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इसके लिए मैंने आपके सामने कुछ चार्ट तैयार किया है टेंटेटिव रैंक का स्कोर के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके, बहुत ज्यादा डेटा सेलेक्ट करके, उसके ऊपर मैंने वर्क करके ये डेटा आपके सामने रखा है और बहुत ही सटीक डेटा है। आप ये मान के चलिए कि आपकी स्कोर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी रहेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखिए स्लाइड के अंदर मैंने कुछ आपके सामने यहाँ पे रखा है, मैंने रखा है रैंक 1 से लेकर के 1500 रैंक तक का एक रेंज रखा है, जिसमें देखो स्कोर रेंज मैंने आपके सामने रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट 1500 रैंक से 4000 रैंक तक का स्कोर रेंज वहां पे रखा है मैंने, आप उसको भी स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं और अपना रैंक देख सकते हैं। नेक्स्ट 4000 से 6500 तक का भी स्कोर रेंज है, इसमें कौन कौन स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हो, आप अपना अकॉर्डिंग रैंक देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 6500 से 9000 की रैंक में भी आप अपने आप को देखिए आप कहां पर हैं, और 9000 से 20000, मैंने 20000 तक का डेटा आपको दिया है, यानी कि जिसका स्कोर 593 है उसका 20000 रैंक मैंने दिया, क्योंकि आपको पता है 12000 से 13000 का रैंक के बीच में लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। तो आप देखिए 10 से 20000 के बीच में 12000 से 13000 स्कोर पे आकर के रुकेगा, वो ऑलमोस्ट 594 या 595 मार्क्स के आसपास आकर के कट ऑफ टिकेगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। अब मेन बात क्या है कि आप अपनी रैंक जो है वो यहां से निकाल सकोगे, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग निकाल पाओगे। अब जब आपको रैंक आपके पास में होगी तो आगे की जो सफर है, आगे के सफर के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस जो है उनकी क्लोजर रैंक देखने के बाद में आप अपने आप को वहां पे प्लेस कर पाओगे, करेक्ट। तो मेरे स्टूडेंट्स तो खैर मेरे से काउंसलिंग करवाते ही हैं, उनको मैंने बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भेज दिया है। तो एक स्टूडेंट है जिसका 680 स्कोर है, मेरे दोस्त की तरह ही है वो भी, तो वो मेरे को बार बार फोन करता है, आपका प्रॉब्लम क्या है। उसका प्रॉब्लम है कि वो चंडीगढ़ जाना चाहता है राजस्थान का, उसकी फैमिली शिफ्ट हुई है वहां पे, इसलिए तो वो बार बार कहता है कि 680 मार्क्स के ऊपर मेरी रैंक जो है वो चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के लिए रहेगी या नहीं रहेगी। उसको तभी तो पता लग पाएगा जब लास्ट ईयर का क्लोजर रैंक उसको पता रहेगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का। तो मैंने आपके सामने 20 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनके क्लोजर रैंक यहां पर रखे हैं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में वो किस रैंक पे क्लोज हो गया था। ऑल इंडिया सीट्स, मतलब कि कोई भी कॉलेज का 15% का जो कोटा है सीट का, उसका लास्ट सीट उठाने वाले स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक क्या था वो मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले किया है, आप देखिए इसको। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली का लास्ट ईयर का 32 रैंक वाला AIR वाला स्टूडेंट ने उसकी ऑल इंडिया की लास्ट सीट ली थी, लेकिन आप समझिए कि इस साल ये 32 नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल एम्स भी इसके अंदर है और एम्स में टोटल 107 सीट है, उसमें जनरल कैटेगरी की 60 सीट है, 60। तो आप ये मानते ही हो कि कोई भी एम्स दिल्ली नहीं छोड़ेगा, एम्स दिल्ली की बात चल रही है, तो जब एम्स दिल्ली नहीं छोड़ेगा तो स्टार्टिंग के 60 तो वहीं जाएंगे ना, उसके बाद ही तो ये टेंटेटिव रैंक आएगा, तो इसमें 60 ऐड करना पड़ेगा आपको, तो इस साल यहां पर प्लस 60 करना पड़ेगा सभी जगह, जितने भी आपको स्कोर दिख रहे हैं, जितना भी रैंक दिख रहा है क्लोजर रैंक राउंड टू का, उसमें 60 ऐड करिएगा तो आपको ऑलमोस्ट 2020 के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इस रैंक पे ये कॉलेज जा रहा है, इस साल भी यही जाएगा और मेरी रैंक क्या है और मैं इस कॉलेज में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं और ये क्लियर हो जाएंगे इस स्लाइड को देखने के बाद में आपके, ओके। इसी तरीके से कुछ और मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट मेरे सामने है यहाँ पे, जैसे कि लखनऊ की, जयपुर की, भोपाल, बेंगलोर, काचीकोट, कोलकाता, पुणे, ये सारे कॉलेजेस आपके सामने हैं और उनका क्लोजर रैंक यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि आप इन कॉलेजेस में जाने लायक हैं या नहीं है। तो आप अपनी रैंक चार्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, स्टेट मेंशन करिए सामने। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा और आपको कॉलेज दिलाने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं और मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएं, गलती ना हो।